नमस्कार, आरोग्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त रश्मि मेनन। दर्शकों, आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी जो कि 15 अगस्त 1947 से कार्यरत है, यहां हर बीमारी का इलाज संभव है। आयुर्वेदिक पद्धति से यहां पर हर बीमारी का इलाज किया जाता है, क्योंकि यहां पर जो भी दवाइयां तैयार की जाती हैं, काफी रिसर्च के बाद जड़ी बूटियों से इन दवाइयों को तैयार किया जाता है और यही सब दवाइयां तैयार करते हैं जाने माने वैद्य दीपक कुमार जी, जो कि आपकी हर बीमारी का इलाज आपको बताते हैं, आपकी बीमारी की जड़ को पकड़ते हैं और पूर्ण रूप से उस बीमारी को दूर भी कर देते हैं। आज हम लोग बात करेंगे बवासीर के बारे में, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो बहुत ही दुखदाई होती है और असहनीय पीड़ा लोगों को सहनी पड़ती है और इस बीमारी के बारे में लोग इतनी आसानी से किसी को बता भी नहीं पाते। तो आज आपको बताएंगे कि इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, किस तरीके से बीमारी हो जाती है, इसका उपचार कैसे किया जा सकता है और यही सब आपको बताएंगे जाने माने आयुर्वेदाचार्य वैद्य दीपक कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका वैद्य जी। नमस्कार। तो दर्शकों, यदि आपको कोई भी बीमारी है, आप यहाँ वहाँ घूम घूम कर थक चुके हैं, लगातार ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अस्वस्थ हैं, निरोगी काया की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो आप भी आयुर्वेद के माध्यम से इलाज करवा सकते हैं, स्वस्थ हो सकते हैं। नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। कोई भी समस्या है, आप वैद्य जी को बता सकते हैं और उसका उपचार प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी एक ऐसी फार्मेसी जहाँ पर लोग आते तो निराश हैं लेकिन जाते आशा के साथ हैं। उनकी जो भी बीमारियां होती हैं उनसे उनको निजात मिल जाती है। तो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है, लगातार कॉल करते रहें, वैद्य से बात करते रहें और अपनी बीमारी का उपचार प्राप्त करते रहें मात्रिक कॉल के माध्यम से। तो वैद्य जी, हम लोग आपसे आज बात करेंगे पाइल्स के बारे में, जिसके बारे में अक्सर लोग इतना ईजिली किसी से डिस्कस नहीं कर पाते हैं, तो इसके बारे में विस्तार से हम आपसे बात करेंगे। लेकिन कार्यक्रम के शुरुआत में ही एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए इनकी प्रॉब्लम जान लेते हैं जी। हेलो, स्वागत है आपका आरोग्य में, नाम बताइए। मेरा नाम मनप्रीत है। आज सरकार यूट्यूब पे देखा था जी, तो ये इस टाइम मुझे ऐसा लगता है सर जो काम कर रहे हैं इन पे भगवान की बहुत कृपा है और ये हर बात में ये बोलते भी हैं जी, आपसे कृपा से ये ठीक हो गए जी। बिल्कुल जी, भगवान बोले मैं सुन रहा हूँ, प्रणाम। हाँ जी सर, सर आपके सर तो आपके चरणों में किसी तरह मुझे छूने को मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है कि आप इतनी दुनिया का भला कर रहे हैं। सर मुझे ना एक हर्पीस की प्रॉब्लम हो गई है, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस। ठीक, वो मेरा कब से है ये दिक्कत आपको? सर अभी 2-3 महीने हो गए तब से दिक्कत आई। आपने इसका वायरस पूछा जी, तो डॉक्टर ने बताया कि ये हो सकता है कि आपको कोरोना हुआ था तो तब किसी वायरस ने आपको ऐसे पकड़ लिया, क्योंकि वो कह रहे हैं इसके केसेस कहीं मिले हैं हमें जो कोरोना के बाद लोगों में आए हैं जी। आपने अपना वायरस चेक कराया होगा कि लगभग कितना है? ठीक ठीक, पेशाब में जलन तो नहीं होती आपको? नहीं सर, नहीं, मेरे जो होंठ के पास है बस वहीं से दिक्कत होती है और मुंह के अंदर जो छोटे मोटे छाले होते हैं वही होता है। ठीक, और सर इससे मेरी आंखों में पता क्या होता है सर जी, मैं किसी भी रोशनी को देखता हूँ ना लाइट को, तो ऐसे लगता है मेरी आंख में घुस जाती है मूवी। ठीक, मैं उसको फेस नहीं कर पाता रोशनी को। ठीक भैया, हर्पीस सिंप्लेक्स बहुत दुष्ट बीमारी है, वैसे ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है और गलत महिला के साथ सेक्स करने पर ये बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ती है, लेकिन कभी कभी कोई इन्फेक्टेड सुई निडिल हमारे को लग जाए तब भी इस प्रकार की बीमारी होने के चांस रहते हैं, या हम किसी के अंडर गारमेंट्स यूज़ कर लें तब भी इस प्रकार की दिक्कत होने के चांस रहते हैं। कोरोना से बहुत सी बीमारियाँ उभर करके आई, कोरोना काल में एक से एक बीमारियां जो दबी हुई थी हमारे शरीर से बाहर निकल के आई, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी पावर डाउन हुई। तो मैं ये नहीं कह सकता कि आपको किस कारण से दिक्कत हुई, आप सबसे पहले एक तो आपकी कोष शुद्धि रही, बॉडी के टॉक्सिन्स जो हैं आपके पास आउट रहे, उसके लिए आप 5-5 ड्रॉप्स जो है तुलसी ड्रॉप्स की, पंच तुलसी ड्रॉप्स ये दिन में 2 बार दूध में, चाय में, पानी में लेते रहें, चाय तो ना ही सेवन करें, पानी में डाल के इसको लेते रहें, और साथ में रक्त विकार नाशक नीम घनवटी दोनों की 2-2 गोली दिन में 2 बार पानी के साथ सेवन करें और आप पानी का बहुत ज़्यादा प्रयोग करें। साथ ही साथ बॉडी के टॉक्सिन्स पास आउट होने के लिए त्रिफला करें सबका भला। आप त्रिफले की 3 चम्मच पानी में पका के प्रातःकाल हफ्ते में 1-2 या 3 बार जब आपको समय अनुकूल लगे खूब पका लें, छान करके एक जब
थोड़ा सा गुनगुना रह जाए उसमें एक चम्मच शहद मिला लें और उसको पिए। आपकी कोष शुद्धि रहेगी, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा पेट साफ रहता है, हर समय हर एक को इतना समय भी नहीं होता। आप चार चार गोली त्रिफलेगन की दिन में दो बार पानी के साथ सेवन करते रहें और आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़े, इसके लिए बहुत अच्छा होगा और बॉडी के टॉक्सिन्स पास आउट हों। मैंने तुलसी ड्रॉप्स आपको 5-5 बूंद कही, यदि आप तुलसी घन की भी दो दो गोली दिन में दो बार पानी के साथ सेवन करेंगे आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। जिस चीज़ को खाने के बाद हमारे शरीर के अंदर गर्मी पैदा हो, पित्त बढ़े, उन चीज़ों से बचें, जैसे कि चाय है, लाल मिर्च है, बैंगन है, गुड़ है, खटाई है, नॉनवेज है, शराब है, आप इनका पूर्णतया परहेज रखें। और बहुत ही सात्विक भोजन, हरी सब्जियां, फल, बहुत खट्टे फल ना हो, हरी सब्जियां और फल इसका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। मैं उम्मीद करूँगा आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और आप किसी महिला के अभी टच में ना आए और बहुत अच्छा होगा, आपके जो गारमेंट्स हैं वो आप सेपरेट रखें। जी हाँ बिल्कुल वैद्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इनको बताया कि इनकी ये प्रॉब्लम कैसे दूर हो सकती है और ये समस्या इनको क्यों उत्पन्न हुई। अक्सर लोग जो है ये नहीं समझ पाते कि बीमारी की शुरुआत कहाँ से हुई थी, और जब बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो परेशान हो जाते हैं। लेकिन लोग जब आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में आते हैं तो उनको यहाँ से हर बीमारी का इलाज मिल जाता है और लोग खुलकर बात कर पाते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि उनको यहाँ से निराशा बिल्कुल हाथ नहीं लगेगी। तो वैद्य जी, हमें बहुत अच्छा लगा आपने इनको बताया कि इनकी प्रॉब्लम कैसे दूर हो सकती है। तो आज हम बात करेंगे पाइल्स पर, इसके बारे में इजीली कोई किसी से डिस्कस नहीं कर पाता है। हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को बताएं कि पाइल्स क्या होती है, किस तरीके से हो जाती है और इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं। रश्मि जी, सर्वे रोग मलाशरा, सब बीमारियों की जड़ पेट है, और जब बहुत ज्यादा कब्ज हो जाए अक्सर यह बीमारी बहुत तेजी से तब बढ़ती है। आपने देखा होगा बहुत से लोग, बहुत हमारी ड्राइविंग सीट बहुत गर्म हो रही है, धूप में स्कूटर मोटरसाइकिल या हमारी कार वाहन खड़ा है और बहुत गर्मी में तप रहा है, हम जा कर के उस पर बैठें और चल दें, अक्सर यह बीमारी ड्राइवर्स में बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा, हमारे शरीर के कुछ अधारणीय वेग हैं, उनको हमको रोकना नहीं चाहिए। कभी कभी लैट्रिन आ रही है, कर नहीं पा रहे, पेशाब आ रहा है, हम कर नहीं पा रहे, या बहुत ज़्यादा तला भुना जंक फूड का सेवन करें, मिर्च मसालों का प्रयोग बहुत ज़्यादा करें, या उनको बहुत ज़्यादा कब्ज हो जाए, जब हम लैट्रिन के लिए, सोच के लिए, निवृत्ति होने के लिए जोर लगाने लगे, तब एनस में चारों तरफ सूजन आने लगती है और एनस से जो वेन लीवर की ओर जाती है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, वह फूल जाती है, उसको कहते हैं मस्सा। ये दो प्रकार की, एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल मस्से जो होते हैं, पाइल जो होती है, अक्सर जब हम सोच क्रिया करते हैं तो वो छिल जाती हैं, छिलने के कारण उनमें खून निकलने लगता है, इसको कहते हैं ब्लीडिंग पाइल्स, खूनी बवासीर। दूसरा, एनस के बाहर की ओर जो मस्से होते हैं उनमें जब सोच इत्यादि हम निवृत्त होने के लिए जोर लगाते हैं उनमें दर्द काफ़ी होता है, वैसे ये वातज यानी कि सूखी बवासीर होती है। और इस बवासीर को निवारण के लिए सबसे अच्छा है, सबसे सुपाच्य, हम भोजन करें और हमारे पेट में कब्ज बिल्कुल ना रहे। कुछ लोग बहुत ज़्यादा शराब इत्यादि का सेवन करते हैं, ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं, तब भी इस प्रकार की दिक्कत होती है। अधिक रूक्ष कटुचर परा शीतल भोजन स्वल्प, कारण अर्षोत्पत्ति के शरम भी करे अनल्प, लेत विरेचन सर्वदा जो रहे गर्म प्रदेश, हेमंतादि प्रकोप के शरम भी करे अनल्प, कृष्ण शुष्क गुदकील हो कड़े नुकीले जान, मुरझाए छोटे बड़े ससर्प सम पहचान। ससर्प यानी के सरसों के दाने की तरह, होता अनुभव शीत का बहे अक्षी से नीर, सतत वृद्धि आलस्य की लगे असग्य समीर। हमें ठंड सी लगने लगती है, आंखों से पानी आने लगता है, हमको जो है बहुत ज़्यादा आलस्य आने लगता है। और जो लोग बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें लेते हैं, बहुत ठंड में रहें, बहुत गर्म प्रदेश में रहें, उनको यह बीमारी अक्सर बहुत तेज़ी से सताती है। जी हाँ बिल्कुल वैद्य जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि किस तरीके से ये जो बीमारी है लोगों को हो जाती है। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में इसका उपचार किस तरीके से किया जाता है, कैसे लोग निजात पा सकते हैं ऐसी बीमारी से जिसके बारे में लोग किसी को बता भी नहीं पाते हैं। रश्मि जी, इसकी एक बहुत ही चमत्कारिक दवा है, बवासीर की दवा, एलवा, रसोड, ढाका, डिकोली, नीमगिरी और मुनक्का कुकरोंदा से निर्मित है बवासीर की दवा। हम दो दो गोली यदि दिन में दो बार सेवन करें तो बवासीर में बहुत लाभ मिलता है। और यदि
किसी को ब्लीडिंग यानी कि खून भी आता हो लैट्रिन में तो उसके लिए है प्रदर रिपु। वैसे प्रदर रिपु लेडीज़ की लिकोरिया के लिए है, लेकिन किसी भी प्रकार का रक्त क्षय हमारे शरीर से होता हो, नक्सीर आती हो, ब्लीडिंग पाइल्स हो या लिकोरिया बहुत ज़्यादा हो, किसी भी प्रकार की रक्त पित्त की दिक्कत हो तो उसमें प्रदर रिपु की चार चार गोली दो बार सेवन करने से बहुत लाभ मिलता है। तीसरा, हम एक तेल बनाते हैं बवासीर के मस्सों का तेल। यदि हम एनस में दिन में दो बार सुबह को और रात्रि में चार पांच बूंद अंदर पिच करें तो धीरे धीरे जहां से मस्से बन रहे हों उनकी रोट धीरे धीरे गलने लगती है और मस्से मुरझाने लगते हैं। चौथा, मस्सों के लिए है रक्त विकार नाशक उषवा चोपचिनी मंजीठ और महामंजिष्ठ्यादि क्वाथ घनसत्व से निर्मित है रक्त विकार नाशक। इसके सेवन से हमारे शरीर में कील मुहासे हों, झाइयाँ हों, खाज खुजली हो, सिरोसिस हो या किसी भी प्रकार की स्किन डिजीज हो और शरीर में मस्से बनते हों उसमें इसके सेवन से बहुत लाभ मिलता है। और चौथा, प्रवाहिकाहार चूर्ण। इसके सेवन से कोष्ठ शुद्धि रहती है, पेट साफ रहता है और किसी भी प्रकार की पेट की कोई समस्या हमको नहीं सताती। यदि हम इनको प्रयोग करते रहें तो निश्चित रूप से हम इस बीमारी से निजात पा लेते हैं। जी हाँ बिल्कुल वैद्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने अच्छे तरीके से बताया कि ये बीमारी कैसे दूर हो सकती है। मेरे ख्याल से ये जो दवाइयाँ आपने बताई हैं इसका सेवन हर उस व्यक्ति को करना चाहिए जो बहुत ज़्यादा परेशान है। इनका प्रयोग करना चाहिए उनको ताकि वह पाइल्स जैसी बीमारी से खुद को बचा सकें। तो मैं अपने दर्शकों को यही कहना चाहूँगी, यदि उनको भी पाइल्स है या फिर वह ऐसी प्रॉब्लम किसी को नहीं बता पाते हैं तो वह घर बैठे इनकी दवाई मंगवा सकते हैं और उनको उपयोग करने के बाद वह इस बीमारी से पूर्ण रूप से निजात पा सकते हैं। आप रक्त विकार, बवासीर की दवा, बवासीर के मस्सों का तेल और प्रवाहिकाहरण चूर्ण इनको अपने घर बैठे मंगवा सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आप Amazon, इंडिया मार्ट और ई कॉमर्स के माध्यम से इनको ऑर्डर करना है और पेमेंट के भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको इजीली मिल जाते हैं। आप गूगल पे, फोन पे और पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं और इनको कैसे इस्तेमाल करना है, किस तरीके से इनका यूज़ करना है, ये सारी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए जो नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं आप इन पर कॉल भी कर सकते हैं, आप वैद्य जी से बात कर सकते हैं, सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। तो वैद्य जी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए जानते हैं इनकी प्रॉब्लम क्या है। जी हेलो। हेलो, हाँ भगवान प्रणाम बोले। बालिका के बारे में पूछना चाह रहा था। जी बोले। मेरी बालिका 19 साल की है और उसको एक टिश्यू की प्रॉब्लम है और पेट के तले में पथरी है और जी से दांत भी टेढ़े मेढ़े हो रहे थे, तो कमी सी लग रही है। उसकी उम्र कितनी बताई आपने? 19 साल। 19 साल। और कोई दिक्कत उसको? क्या दो तीन चीजें। पीरियड्स की कोई समस्या है उसको? हाँ। ठीक, भगवान पीसीओडी की दिक्कत के लिए बहुत अच्छा होगा कि आप रत्न गर्भा और कांच नार गुग्गुल दिन में दो बार दो दो गोली दो बार पानी के साथ प्रयोग कराएं। और रही बात पित्त की थैली की, पित्त की थैली की पथरी किसी पैथी से नहीं निकलती, उसका आप विशेष ध्यान रखें। थोड़े समय बाद उसका अल्ट्रासाउंड कराते रहें, जब आपको मौका अनुकूल लगे उसका ऑपरेशन करा लें। जब हमारी बॉडी का पित्त कंज्यूम नहीं हो पाता, यूज़ नहीं हो पाता, तब हमारा पित्ता गाढ़ा हो जाता है और अक्सर तभी पित्त की थैली में पथरी बनती है। और रही बात पीसीओडी की, पीसीओडी में मैंने आपको रतन गर्भा और कांचनार बताई, साथ में यदि उसको और कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, गायनिक ट्रबल हो, सफ़ेद पानी बहुत ज़्यादा आता हो, पीरियड्स बहुत कम होते हो, तो आप कामनी मुंडन रस दो दो गोली साथ में लगा लें। रही बात दांत टेढ़े मेढ़े की, इसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है, आप किसी डेंटिस्ट से मिल लें ज़्यादा अच्छा होगा। अगर उसमें पीलापन है या उनकी कैविटी कम हो गई तो आप दंत सुधा मंजन प्रातःकाल और दंत मंजन रात्रि में इसको प्रयोग कराएँ और इसके प्रयोग से मैं उम्मीद करता हूँ दांत की जो बाकी समस्या है निश्चित रूप से उसमें लाभ मिल जाएगा। जी हाँ बिल्कुल वैद्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इनको बताया कि कैसे जो इनकी बेटी की समस्या है वह दूर हो सकती है। और मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि जो भी औषधियाँ आपको वैद्य जी ने बताई हैं ये सारी औषधियाँ आप घर बैठे मंगवा सकते हैं, आप Amazon, इंडिया मार्ट और ई कॉमर्स के माध्यम से इनको ऑर्डर कर सकते हैं और ईजीली गूगल पे, फ़ोनपे और पेटीएम के माध्यम से
पेमेंट भी कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं। इसके साथ ही यदि किसी को पाइल्स है और इस प्रॉब्लम से वे छुटकारा पाना चाहते हैं, निरोगी होना चाहते हैं, तो आप भी रक्त विकार, बवासीर की दवा, बवासीर के मसों का तेल और प्रवाही कारण चूर्ण, इनको घर बैठे मंगवा सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आप अमेजन, इंडिया मार्ट और ई कॉमर्स के माध्यम से इनको ऑर्डर कर सकते हैं और इजीली गूगल पे, फोन पे और पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो वैद्य जी, हमारी टीम ने आपके एक पेशेंट से बात की, आइए देखते हैं इन्होंने क्या कहा। जी, मेरा नाम रूसी है, मोदी नगर से, डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद से। एक दिन अचानक मेरे चेस्ट में पेन होना शुरू हुआ तो मैंने डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टरों ने अल्ट्रासाउंड के लिए बोल दिया। अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें गांठ निकली, तो डॉक्टर कहने लगे कि आपका ऑपरेशन होएगा, ऑपरेशन से ही ये निकल सकेगी। मैं ऑपरेशन से डर गई। फिर जो हमारे मेरे हस्बैंड आते हैं यहाँ पे, यहाँ का ट्रीटमेंट लेते हैं, दीपक जी कनखल वालों का, तो मेरे हस्बैंड मुझे यहाँ पे लेके आए। मैंने 3 साल दवाई खाई और अब मैंने एक्सरा करा, अल्ट्रासाउंड कराया और मेरी गांठ अब ख़त्म है, अब कुछ नहीं है। अगर कोई आगे भी अब कोई दिक्कत होती है तो मैं यहीं आती हूँ, मेरे हस्बैंड भी यहीं आते हैं, और को भी हम बताते हैं, यहीं आते हैं। दीपक जी का धन्यवाद, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वैद्य जी, ये रूसी जी थी मोदी नगर गाजियाबाद से। इनका कहना है कि इनको ब्रेस्ट में गांठ थी और बहुत ज़्यादा पेन था। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में इनका उपचार कैसे किया गया? रश्मि जी, किसी भी व्यक्ति को यदि ये कह दिया जाए कि तुम्हारा ऑपरेशन होगा, चाहे वो ऑपरेशन बहुत छोटा हो या बहुत बड़ा हो, स्वाभाविक रूप है कि एक डर हमारे शरीर में, दिमाग में, दिल में बैठ जाता है। और इनकी छाती में एक गांठ थी, और हमारी बॉडी में लाखों लिम्फ नोड्स होती हैं, कई बार उसमें फैट डिपॉजिट होने लगता है, तब इस प्रकार की गांठें बन जाती हैं। बॉडी में कहीं भी हो सकती हैं, अधिकतर हाथ में, पैर में, कमर में होती हैं, तो इसको लाइपोमा बोलते हैं। और इनकी ब्रेस्ट में जो गांठ थी, उसके निवारण के लिए हम अपनी फार्मेसी में दवा बनाते हैं मेदनाशक गोधन वटी। जिनका शरीर का वेट ज़्यादा हो या बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो, ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा हो, LDL VLDL बहुत ज़्यादा हो, उसमें यह दवा चमत्कार दिखाती है और कहीं भी शरीर में गांठ हो उसको डिजोल्व करती है। कैंसरस सेल डेवलप हो रहे हों या ट्यूमरस सेल्स डेवलप हो रहे हों, उसमें भी इस दवा का बहुत अच्छा रिजल्ट है। और इसके साथ भैषज रत्नावली की एक दवा है लोह रसायन, ये हर प्रकार के मेद को घटाती है। और तीसरा कांच नार गुगुल, मैंने इन तीनों की 2-2 गोली दिन में 2 बार इनको पानी के साथ सेवन कराई। धीरे धीरे इनकी जो गांठ थी उसमें दर्द था, दर्द दूर हुआ, गांठ कम हुई, धीरे धीरे उनकी गांठ बिल्कुल ख़त्म हुई। और आपने देखा, भगवान के आशीर्वाद से अब ये बिल्कुल स्वस्थ हैं और प्रसन्नचित हैं। जी हाँ, बिल्कुल वैद्य जी, हमने देखा कि अब ये स्वस्थ हैं और प्रसन्न हैं, क्योंकि आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी से इनको ऐसा इलाज मिला जिसके बाद इनकी जो प्रॉब्लम है वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गई है। तो वैद्य जी, हम लोग बवासीर के बारे में बात कर रहे हैं, पाइल्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं ये जो बवासीर है ये कितना खतरनाक रोग है और इसके लिए कौन कौन से खान पान का ध्यान रखना होता है, कौन सी सावधानियाँ बरतनी होती है? रश्मि जी, ये बीमारी ऐसी है, आदमी चलने से, उठने बैठने से बहुत ज़्यादा लाचार हो जाता है। और कई बार अक्सर लोग कहते हैं कि बैठ जाओ, लेकिन दर्द के कारण बैठ नहीं पाते। और हर व्यक्ति जब भी कोई जिंदा रहने के लिए खाएगा पिएगा, लेकिन जब खाने के बाद अगले दिन सोच इत्यादि के लिए, निवृत्त होने के लिए जाएगा, तो उसमें बहुत दर्द होता है और अक्सर आदमी बहुत ज़्यादा कराह उठता है। तो ये बीमारी वैसे तो छोटी है, बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन दर्द में बहुत ज़्यादा आदमी को परेशान कर देती है। और किसी किसी को जब ब्लीडिंग होने लगती है, शरीर से खून की कमी आने लगती है, बॉडी जो है कमजोरी महसूस करने लगता है, खून हमारे शरीर से किसी भी रूप में बाहर निकले, धीरे धीरे खून की कमी होना, कमजोरी आना, चक्कर आना, निश्चित रूप से इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो बीमारी कोई छोटी नहीं होती, बीमारी सारी बड़ी हैं। और इस बीमारी में मैंने जो दवाई आप लोगों को बताई, ये फिशर हो, फिस्टुला हो या पाइल्स हो, तीनों में अपना बहुत अच्छा चमत्कार दिखाती है।
जी हाँ बिल्कुल वैद्य जी, और बहुत ही अच्छी बात है कि ये तीनों में बहुत अच्छे तरीके से चमत्कार दिखाती है। इसलिए मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि आप भी रक्त विकार, बवासीर की दवा, बवासीर के मसों का तेल और प्रवाही कारण चून, इनका उपयोग कर सकते हैं, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद आप भी पाइस जैसी बीमारी से निजात पा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इन बीमारियों का इलाज जड़ से करवाना। और वैद्य जी, जो भी दवाइयाँ बनाते हैं, जड़ी बूटियों को ठीक प्रकार से देखने के बाद आपके लिए वह दवाइयाँ तैयार करते हैं, तो आप भी इनको मंगवा सकते हैं। अमेजन, इंडिया मार्ट और ई कॉमर्स पर आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं और पेमेंट ऑप्शन भी है वहाँ पर, आप गूगल पे, फोन पे और पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं। तो वैद्य जी, हमारी टीम ने आपके एक और पेशेंट से बात की, आइए देखते हैं इन्होंने क्या कहा। जी, मेरा नाम मुकेश कुमार है, मैं नजीबाबाद का रहने वाला हूँ। मेरे फेफड़ों में पानी था, ये मैंने बहुत जगह दिखाया, इलाज कराया, कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे वैद्य जी का पता चला, मैं इनके पास आया, जिससे मुझे जो है बहुत आराम है, काफ़ी आराम हुआ है। तो वैद्य जी, ये मुकेश कुमार जी थे नजीबाबाद से, इनके फेफड़ों में पानी भर गया था। हम आपसे जानना चाहेंगे, जब ये आपके पास आए थे तो इनकी क्या कंडीशन थी और आपने इनका उपचार कैसे किया? रश्मि जी, फेफड़ों में पानी आने के कारण अक्सर सांस बहुत तेजी से फूलने लगता है और साथ ही साथ बुखार रहने लगता है, और इस तरह की बीमारी में अक्सर लोग शुरुआत में मॉडर्न साइंस की ओर जाते हैं और कई बार जब लाभ नहीं मिलता, स्थिति बिगड़ने लगे, तब आयुर्वेद की ओर आते हैं। ये सज्जन मेरे पास आए, इनको बुखार भी रहता था, सांस भी फूलता था, उसके लिए मैंने इनको सीतुपलाली चूर्ण के साथ स्वर्ण बसंत मालती और प्रवाल पिष्टी मिला करके दिन में दो बार रसायन प्राश के साथ सेवन कराई। इनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, उसके लिए मैंने इनसे कहा कि आप 5-5 बूंद तुलसी ड्रॉप्स की दिन में दो बार दूध में, चाय में, पानी में डालकर पिएं और इसकी भाप भी लें, साथ में 2 गोली सितारी वटी और 2 गोली तुलसी घन वटी। मैंने दिन में दो बार इनको प्रयोग में दी, धीरे 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 इनके फेफड़ों का पानी सूखने लगा, उसके कारण जो इनको सांस फूलता था उसमें बहुत लाभ मिला, जो प्रतिदिन इनको बुखार आता था उसमें भी इनको बहुत लाभ मिला, और आपने देखा थोड़े समय दवा सेवन के पश्चात भगवान के आशीर्वाद से अब ये काफी हद तक स्वस्थ है। जी हाँ बिल्कुल वैद्य जी, और मैं फिर से यही कहूंगी कि भगवान के आशीर्वाद से और आपके प्रयास से ये स्वस्थ हैं, और आज जैसे कि इन्होंने बताया कि इनको बहुत ज्यादा आराम मिला है आपसे उपचार करवाने के बाद। तो वैद्य जी, समय आ चला है आपके प्यारे से दोहे का। रश्मि जी, शुभ्रा युक्त शीतोपला रक्त धातु संयोग, शीतल जल अनुपान से नष्ट पुरातन रोग। यानी के शुभ्रा फिटकरी की भस्म, शीतोपला यानी के मिश्री, रक्त धातु यानी के स्वर्ण गैरिक। फिटकरी की भस्म, मिश्री और स्वर्ण गैरिक मिलाकर जल के साथ सेवन करने से हर प्रकार की पाइल्स में तो लाभ मिलता ही है, और शरीर से यदि रक्त का क्षय हो रहा हो, ब्लीडिंग हो रही हो, उसमें भी बहुत लाभ मिलता है। बिल्कुल वैद्य जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को बताया कि पाइल्स जैसी बीमारी से वे कैसे छुटकारा पा सकते हैं और आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में उनका उपचार कैसे किया जाता है। फिलहाल समय का अभाव है, हमें यहाँ रुकना होगा, लेकिन आप यहाँ पर आए, दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि यदि आप भी ऐसी बीमारी से जूझ रहे हैं और किसी को बताने में शर्माते हैं, कतराते हैं, तो आप भी आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में आ सकते हैं, इसका इलाज करवा सकते हैं, आयुर्वेद के माध्यम से स्वस्थ हो सकते हैं। आप भी रक्त विकार, बवासीर की दवा, बवासीर के मसों का तेल और प्रवाही काहर चूर्ण मंगवा सकते हैं, इनका सेवन, इनका उपयोग कर सकते हैं और इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आप ये दवाइयाँ मंगवाना चाहते हैं या फिर आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी की कोई दूसरी दवाइयाँ मंगवाना चाहते हैं, तो अमेजन, इंडिया मार्ट और ई कॉमर्स से ऑर्डर कर सकते हैं और गूगल पे, फोन पे, पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं। इसके साथ ही कोई अन्य प्रकार की समस्या है तो आप वैद्य जी से बात कर सकते हैं, नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखाए जा रहे हैं। आप लोग सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन पर जाकर अभी फॉलो कर लें और सारी जानकारियां प्राप्त कर लें। सारी डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर है। फिलहाल कार्यक्रम में इतना ही, आप सभी से होगी फिर से मुलाकात अगले एपिसोड में नए विषय ढेरों जानकारियों के साथ। तब तक के लिए चाहूंगी आज्ञा, नमस्कार। नमस्कार।